हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गाइस, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, कोई स्कीम, कैंपेनिंग, इनिशिएटिव, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, ठीक है, या फिर कोई रिपोर्ट या इंडेक्स पब्लिश की जाती है, तो उस पर हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन वीडियोस को बिगनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और ये जो चैनल है आपका करंट अफेयर्स इन 10, ये वन सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द टाइप ऑफ करंट अफेयर। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जो अभी हाल ही में 2020 की रिपोर्ट आई है। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइस, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अभी तक की इस टीचिंग जर्नी में गाइज, मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं, इस समय कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ ई लर्निंग ही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम किस कैटेगरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है, आप उनके जो अनलिमिटेड डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, इस चैनल से जुड़ने रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पानी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम 10। और दूसरा गाइज, अगर आप अनअकैडमी बैंक एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हैं तो इसका कॉस्ट कितना जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर के लिए रजिस्टर करते हैं तो ये पड़ता है 5400 रुपये का विथ 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है, मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SK5 है। और सिमिलर अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए इनरोल करते हैं तो ये पड़ता है 6480। तो गाइज, यू आइदर सेलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। आई थिंक 2 ईयर प्लान इज मोर बेटर देन 1 ईयर प्लान। 10% स्ट्रेट डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलेगा, मेरा रेफरल कोड है SK5। चलिए अब बात करते हैं SDG रिपोर्ट 2020। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो हाल ही में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट आई है 2020 की, ठीक है, इसने इंडिया की रैंक जो पब्लिश की है वो याद रखिएगा 117th, यानी कि जो 193 यूनाइटेड नेशंस के सभी ग्रुप मेंबर कंट्रीज हैं उनमें अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो पोजीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 117th, यानी कि 117 रैंक है, जो कि बहुत बेहतर रैंक नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। तो इंडिया का जो टोटल स्कोर रहा आउट ऑफ 100 याद रखिएगा 61.92। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपसे रैंक ही पूछी जाएगी, बस आप रैंक रट्टा मार के चले जाइएगा कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो हम किसको टिक करने जाएंगे, इंडिया। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कौन सा कंट्री है जिसने इस रिपोर्ट में सबसे टॉप पोजिशन पर रहा, तो जो टॉप पोजिशन पर रहा याद रखिएगा स्वीडन, और इंडिया जो हमारा रहा है वो कौन सी 117th पोजिशन पर। अब जो ये रिपोर्ट है गाइस, ये जो रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की, ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसमें सभी देशों में थोड़े बहुत चेंजेस आए हुए हैं। वो चेंजेस आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन सा है, COVID-19, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं एक्चुअली में, ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है इसके लिए टोटल 17 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है कुल 17 पैरामीटर्स के बेसिस पे पब्लिश की जाती है, जिसमें से हमारी इंडिया में जो बेहतर चीज़ें इम्प्रूव नहीं हुई हैं तो 10 ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें हम लोग कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली कंट्रीज़ हैं जो पैंडमिक COVID-19 की वजह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जिन क्षेत्र में बहुत बेहतर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मोस्टली बहुत सी कंट्रीज़ की रैंक है जो ऊपर नीचे हुई है, और हमारी रैंक याद रखिएगा कौन सी पोजीशन पर पहुंच गई है, 117। तो जो मुख्य पैरामीटर्स हैं जिसमें हम ज़्यादा बेहतर नहीं कर रहे हैं वो कौन सा है, 0 हंगर, गुड हेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स को देखते हैं। तो द रिपोर्ट कंटेन डाटा ऑन चैलेंज चेंजेस ओवर टाइम्स इन 17 SDGs इंडिकेटर्स, द फ्यूचर ऑफ द SDGs एडमिट COVID-19 एज वेल एज कैलकुलेशन फॉर ट्रेजेक्ट्रीज अंटिल 2030। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्ट तैयार की जाती है ये कुछ 17 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पैरामीटर्स है, इंडिकेटर्स है, जिनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। और टोटल यूनाइटेड नेशंस में सदस्य देश तो जानते ही आप कितने टोटल, 193। तो 193 में अगर हम लोग रैंक की बात करने जाएंगे तो इंडिया का जो रैंक है याद रखिएगा 117th,
और टॉप पर कौन सा रहा है? टॉप कंट्री का जरूर याद रखिएगा, टॉप कंट्री वो कौन सा है? स्वीडन। और इंडिया का जो रैंक रहा है वो कौन सा रहा है आपका? 117। ठीक है, तो ये हमारी रैंक है। अच्छा, अब किन क्षेत्र में हम लोग बेहतर नहीं कर रहे? निगेटिव है हमारा, तो ये याद रखिएगा। हमने बोला था टोटल 17 पैरामीटर्स हैं, उसमें जो हम लोग बेटर नहीं कर पा रहे उसमें से एक दो तो पॉइंट मैंने समझाए थे। एक है नो पुअर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का गैप तो हमारे देश में बहुत बुरा है। आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट कि हमारे देश में जितना भी टोटल वेल्थ है उसका लगभग 70% वेल्थ 1% पब्लिक के पास है, और 30% वेल्थ में टोटल 99% पॉपुलेशन जी रही है। तो इनइक्वालिटी का जो गैप है ये तो बहुत बड़ा है हमारे देश में। ठीक है, ये SDG जो एनुअल रिपोर्ट है ये 2016 से स्टार्ट हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये 2016 से स्टार्ट होना शुरू हुई थी, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश की जाती है, और जिसमें टोटल जो कंट्रीज लिए जाते हैं कितने? 193, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो टोटल मेंबरिंग कंट्री है 193। कुल 17 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो हमारी रैंक है वो याद रहेगी 117, और टॉप पर रहा है वो आपका कौन सा? स्वीडन। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बाहर मालूम है आपको कि कोरोना के जो केसेस हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, और इंडिया कोरोना के केसेस में थर्ड पोजीशन में आ चुका है। हमसे दो ही देश आगे हैं, USA और ब्राज़ील थर्ड पोजीशन पे, और आगे आने वाले 2 से जो 3 महीने होंगे बहुत क्रुशियल ये समय आने वाला है, तो इसमें बहुत सेफ रहना है आपको। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा आपको। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों से भी कराइए, और ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए करंट अफेयर्स इन 10 मोर अपडेट्स के लिए। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो गाइज इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। या आपका कोई दोस्त सब्सक्रिप्शन लेता है अनअकैडमी प्लस का, तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।